था स्कूल कॉलेज में, मैं कल्चरल एंड डांस सभी में मैं पार्टिसिपेट कर रही, इवन मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, मैं हॉकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलती थी और कबड्डी और बाकी सब स्पोर्ट्स में मैं थी। तो और फिर मेरा ये सब मॉडलिंग वगैरह में भी मेरे को देख के होता था कि मैं ये सब फील्ड में करूँ, बट उस वक्त नहीं कर पाई। मेरे को कॉलेज टाइम में ऑफ़र भी आया था मॉडलिंग का, बट उस वक्त ये सब में ज़्यादा नहीं जाते थे। तो आफ्टर मैरिज मेरे को ये चांस मिला मिसिस नवी मुंबई से, तो मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई मॉडलिंग के लिए। तो उसके बाद मैंने मिसिस सुप्रीम किया जिसकी मैं विनर थी, और अभी सर के साथ मिसिस यूनिवर्स में गई और ये टाइटल ब्रांड एम्बेसडर का जीता है मैंने। लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौरान ऐसा हुआ है, किस तरह से आपने कुछ किया तैयारी की, किस तरह से लोगों सर तक पहुँचे आप? एक्चुअली ये लॉकडाउन से पहले ही हमारा इनके साथ हो गया था सब कुछ, और ऐसे स्टेज से ही होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड ये नहीं हो पाया। तो पर हमारा ऑनलाइन सब कुछ हो रहा था, मतलब ऑनलाइन हमारे इंटरव्यूज, इनको बेसिकली इंटरव्यूज इनके ऑनलाइन और यूट्यूब के थ्रू इनको भेजा जा रहा था, सब ग्रूमिंग सेशन सब इनका उसके थ्रू हो रहा था, ऑनलाइन सब कुछ चालू था। और बाद में अभी से 7 जन को हमारा जयपुर में शो हुआ, जिसमें हम लोग को ये टाइटल, मतलब इंडिया से हमको सिलेक्ट करके ये टाइटल्स मिले। डर था कि नर्वस थे आपकी, क्या होगा क्या नहीं होगा, काफ़ी लोग थे? हाँ, काफ़ी लोग थे, नर्वस थी, बट मेरे को कॉन्फिडेंट था कि मैं कर सकती हूँ। तो जीते आप ये, यस यस, क्या फील हुआ, क्या घर वालों को बोले आपने, तो क्या उन्होंने कहा, क्या उनका रिएक्शन था घर वाले? घर वाले की सपोर्ट से ही तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, उनको तो मतलब मेरा शौक उनका शौक है, कि सब बच्चे भी मुझे सपोर्ट करते हैं, और अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ तक पहुँचने का। एक ड्रीम था कि मिसिस यूनिवर्स तक, तो वो अच्छा मेरा सपना पूरा हो गया है। नेक्स्ट अभी फिनाले के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं, अभी वहाँ भी जीत के ही आएंगे। हाँ हाँ, श्योर है, वो तो साथ में ही है, बच्चे, हाँ फैमिली पूरा मेरा सपोर्ट करते हैं। टाइटल के बाद ही राहुल जी ने बोला कि हाँ मेरे को वो दोबारा से वो दीपिका नजर आ गई मुझे अब। तो सर, यस डेफिनेटली, मैं आपका समझ रहा हूं कि आप इस समय क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी रही आपकी? और तैयारी देखिए, हमारे जो ऑडिशंस थे वो तो पहले ही हो गए थे, देन उसके बाद कोविड-19 हुआ, लॉकडाउन हुआ, बट कहते हैं ना तैयारी तो जारी रहनी चाहिए हमें, हम अपनी तैयारी अपनी तरफ से करते रहे, बाकी सर की तरफ से हमारी जो भी वर्चुअल क्लासेस रही थी और जो हमारा ग्रूमिंग सेशन, हमारे जो इंटरव्यूज सारे वर्चुअल ही रहे थे, तो ऐसे हमारी तैयारी चल रही थी। डर था, नर्वस था, क्या? ऑफकोर्स डर, थोड़ा सा डर, नर्वसनेस तो हर रहेगा ही, नहीं तो फिर आप वो जीत की खुशी कैसे मिलेगी? गाउन पहनना, मतलब कहते हैं नजारी बढ़ गई आपकी, आप गाउन पर वो कैसे सर, क्या कहेंगे? वो तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है, और मेरे ख्याल से जो भी अगर इस मॉडलिंग से फील्ड से रिलेट करता है तो वो समझ सकता है इस ट्रॉफी का, इस सैश का, इस क्राउन का क्या मतलब होता है। तो ये रियली मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी नरेश मदान सर जी को, जिन्होंने मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया परफॉर्म करने के लिए, मुझे वो चांस मिला, एंड मैं अपनी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को थैंक्स बोलना चाहूँगी। रिएक्शन ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, प्राउड भी फील हुआ, तो ऑब्वियसली सब अच्छा ही था। उसके बाद तो मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, अभी आप बस सब कर सकते हो, सब अचीव कर सकते हो आप, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो हम लोग फिनाले तक भी जाएंगे और जीत कर भी आएंगे। सर जो फिनाले जो है हमारा टारगेट है, हम लोग इसको जयपुर में करने वाले हैं, जिसके कम से कम 7 दिन का एक ग्रूमिंग सेशन रहेगा, टोटल 20 कंटेस्टेंट्स, अगर कंटेस्टेंट्स हमारे पास आ जाते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड से अराउंड 50 कंटेस्टेंट्स होंगे, जो 7 डेज उनका वहाँ पे ग्रूमिंग सेशन चलेगा, कम्प्लीटली साइट विजिट, ग्रूमिंग सेशन, उनका फोटोशूट्स वगैरह, उनमें से जो विनर निकलेगा, विनर निकलने के बाद लेट्स सी, देखते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 5 कंट्रीज से तो हमारे साथ एसोसिएट हो चुकी हैं, ब्राज़ील, उज़्बेकिस्तान,
सिंगापुर, श्रीलंका और एक रूस साइड की कंपनी में, उसका नाम बोल रहा हूँ उसको, मतलब पांच हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएट हो चुके हैं। इंडियन जयपुर में कर रही है जी, फिनाले जो इसका वहीं पे, क्योंकि एक्चुअली जो हमारे डायरेक्टर्स जो हैं, भारतीय जो डायरेक्टर्स हैं, उनके दिमाग के अंदर बैठा हुआ थोड़ा सा कि किसी हेरिटेज जगह पे करो इसको, तो बाकी अभी तो देखते, अभी तो है जयपुर का ही, बाकी में भी हो सकता है उस टाइम कुछ चेंज हो जाए। अभी ऐसे सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं, यस इन लोगों का ऑडिशन हुआ था एंड यस ड्यूरिंग द कोविड दे डिड नॉट गिव इट अप, दे कंटिन्यू बूमिंग अप देमसेल्फ थ्रू मदान सर गाइडेंस अलॉन्ग एंड दे हैव अचीव दैट गोल। यस व्हेन यू अचीव योर गोल यू गेट you feel confident and their confidence level is high and I think that confidence will support them to go further. That's it. Sir, first of all मैं मिस्टर नरेश जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो एक सेकेंड फेज जो महिलाएं हैं उनको मौका दे रहे हैं। जनरली सभी मिस बिफोर मैरिज को तो सभी महिलाओं को चांस देने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं, बट यस आफ्टर जो लोग कर रहे हैं डिवेलिसियस ग्रुप जो, सो इट्स ए कमेंडेबल, दे आर गोइंग वेरी गुड जॉब एंड ड्यूरिंग कोविड मेरी वाइफ है, हम तो एसेंशियल सर्विस में आते हैं तो डेफिनेटली हमको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गया था, तो हम घर पे थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था हमारा, क्योंकि हम डेली ऑफिस जाते थे, वहाँ पे लोगों से मिलना होता था, तो फिर भी जो दीपी है, दीपिका जी है, वो अपना खुद का करती थी, हम लोग यस मोरल सपोर्ट मैं देता था, लेकिन हमारा मोरल सपोर्ट थोड़ा कम होता था ड्यू टू कोविड, क्योंकि हमको डेली ऑफिस जाना पड़ता था, फिर भी उन्होंने अपना जो जर्नी है जारी रखा है एंड यस हमारा पहले से मैरिज के टाइम से भी हमने उनको फ्रीडम दिया था कि यस आप अपना जो ड्रीम है, अपना चॉइस है, आप अपना अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी है वहाँ पहले से ही, तो मुझे पता था वो कि यस वो हॉकी खेलती थी कॉलेज में, तो उनका एक अलग इंटरेस्ट था, तो डेफिनेटली हमने भी क्योंकि हम लोग बाद में यहाँ टाउनशिप शिफ्ट हो गए, तो थोड़ा टाउनशिप इज़ लाइक ए गोल्डन केज, वो थोड़ा आइसोलेटेड भी प्लेस था JNPT का, तो वहाँ पे नहीं कर पाई, लेकिन बाद में जैसा हम लोग ने नई मुंबई शिफ्ट हो गया, तो उन्होंने अपना अपना ड्रीम जो है धीरे धीरे चालू किया एंड वी आर हैप्पी विथ इट। सर मैं आपके एक छोटा सा बता देता हूँ, कोविड ड्यूरेशन के अंदर ही शायद उस स्थिति से आप भी गुजरे होंगे, हमारी वाइफ बोलती है कि आप शो करते हो वो मिसेज के लिए जिसको नाम देते हो फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, अब हम देखते हैं कोविड टाइम के अंदर आप कितना वुमेन एम्पावरमेंट हमारे साथ दिखाते हो, सर उसका हमें ये हर्जाना मिला कि हमें साथ में खड़े होकर बर्तन मांजने पड़े थे। सर हमें मांजने पड़े, अब आप बता लीजिए इससे ज़्यादा आप क्या प्लेटफॉर्म दें हम किसी को। सर मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों की जो है पाँच ब्रांड्स हैं एंड द लकीली ऑल ब्रांड्स आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स के लिए लेके आ रहे हैं सुपर मॉडल ऑफ द ईयर, वी डोंट वांट टू डू मिस एंड मिसेज, क्योंकि आज टू दी फ्रैंक आज इतने शोज हो रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ हिंदुस्तान के हर घर के अंदर गली में एक मिस और मिसेज रहती है इंडिया, तो हम लोग उसके लिए सुपर मॉडल ऑफ ईयर लेके आ रहे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन हमें मिल गया, बच्चों के लिए मिस्टर मिस टीन इंडिया लेके आ रहे हैं हम लोग, तो आज दिवालिशियस ग्रुप वो वहाँ तो इस लेवल पे आ गया है कि आज हमारे पास सबके लिए और स्टेट लेवल से लेके इंटरनेशनल तक सब अंडर वन रूफ है। तो बच्चों के लिए हो गया, के लिए हो गया, मर्दों के जो है उनके लिए। सर हम मर्द तो एक्चुअली क्या होता है कि सर हम शादी के बाद तो मिस्टर इंडिया बनते हैं सर, हम उनके लिए कुछ होना चाहिए सर, हम शादी के बाद मिस्टर इंडिया ही तो बनते हैं सर, हम उसके बाद ही हम दिखा पाते हैं कि हम कुछ हैं, उससे पहले तो कुछ नहीं है सर। लास्ट में क्या कुछ कहना चाहोगे, आप कहना चाहोगे आप जो महिलाएं आने चाहती है इस काम पे,
कई कई बार घर वाले उनको काम देते हैं, घर वाले बोले कहाँ जाएगी तू, ये अच्छी चीज नहीं है, आज भी लोग कहते हैं। आप क्या कहते हैं? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, इंसान को सपने देखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए और अपनी सच्चे दिल से ना अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, बिकॉज आज नहीं कल नहीं, एक दिन आपको ना आप पे खुद पे भी गर्व होना चाहिए और सामने वाले को भी आप पे गर्व होना चाहिए। आप दोनों खुद नसीब हो कि आपके हस्बैंड मतलब सपोर्ट करते हैं, कईयों के हस्बैंड नहीं करते हैं। और कोशिश करती रहनी चाहिए ना, बैठना नहीं चाहिए हार मानकर, कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए। मैंने मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स को इंस्पायर्ड किया है, मेरे से बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, मुझे सामने से पूछते हैं कि मैम हमको भी ये करना है, तो मुझे तो वो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं और मेरे जैसे लेडीज़ को आगे ला रही हूँ, और जो सोचते हैं कि ये सब नहीं करना अब, लेकिन अब उनको कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे थ्रू कोई तो मतलब लोग आगे आ रहे हैं। तो ऐसे मर्द भी जो चाहते नहीं अपना और आगे बढ़ाता नहीं, वो मर्द का मुझे नहीं पता हमारे उन्हें उन मर्दों क्या कहना चाहिए कुछ? नहीं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि देखो वाइफ भी लेडीज भी आजकल तो सब एक बराबर ही है, जेंट्स लेडीज ऐसा कुछ नहीं, सब एक अभी तो लेडीज भी हर फिल्म में आगे है, तो क्यों नहीं उनको भी चांस देना चाहिए, उनका ड्रीम पूरा करना ही चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, हर मर्द को ये करना चाहिए सपोर्ट करना। बट सर चेंज ओवर आ रहा है हमारे, चेंज ओवर आ रहा है, कुछ लोग अभी भी नहीं पहले जैसा नहीं रहा कि पहले लोग सोचते थे कि यस की वाइफ को कहा घर से बाहर स्टेप आउट नहीं करना चाहिए, बट नाउ अपने हस्बैंड भी उनको फ्रीडम देते हैं कि हाँ आपको अपना करना है, तो यस बैलेंस वे में करते रहिए, बच्चे भी संभालिए, घर भी संभालिए, बाहर का भी आप व्हाटएवर यू वांट टू डू यस करिए। हम घर भी संभाल रहे और ये भी संभाल रहे हैं, तो हम सारी ड्यूटीज कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Mike.